हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एलोट्रोप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एलोट्रोप क्या होते हैं बच्चों? जब सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट वे में अरेंज हो, वे होते हैं एलोट्रोप। क्या समझो इसे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट arranged in different manner in same physical state जैसे ग्रेफाइट। कार्बन के एलोट्रोप होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड। तो दोनों में क्या फर्क होता है बच्चों? बस दोनों के दोनों कार्बन के एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, और दोनों की फिजिकल स्टेट भी सेम है। दोनों सॉलिड है, ये भी सॉलिड स्टेट में मिलता है हमें, ये भी सॉलिड स्टेट में मिलता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, ग्रेफाइट में अलग तरीके से डिफरेंट वे में कार्बन के एटम अरेंज है और डायमंड में डिफरेंट वे में कार्बन के एटम अरेंज है, ठीक है। इसमें कार्बन के एटम डिफरेंट तरीके से अरेंज है। तो एलोट्रोप होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि एटम्स होने चाहिए सेम एलिमेंट के, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के एलिमेंट है, पर दोनों में जो एटम है वो सेम एलिमेंट का है, कार्बन, और इनमें डिफरेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? फिजिकल स्टेट भी सेम होना चाहिए, सेम फिजिकल स्टेट। और लास्ट कंडीशन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर ये चार प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही है तो वे क्या है? एलोट्रोप। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड सेम एलिमेंट से बने हुए हैं, दोनों में कार्बन के एटम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम की। इसमें कार्बन के एटम अलग तरीके से अरेंज है, डायमंड में कार्बन के एटम अलग तरीके से अरेंज है। इनकी सेम फिजिकल स्टेट है, हमें ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी अलग क्यों होती है बच्चों? क्योंकि एटम डिफरेंट वे में अरेंज है ना। अगर एटम की अरेंजमेंट हम चेंज कर दें तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी भी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो हेडिंग डाल लो ग्रेफाइट। तो इतना समझ आया, एलोट्रोप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट वे में अरेंज हो इन सेम फिजिकल स्टेट। तो अब लिखो बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों? वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू थ्री कार्बन एटम। ग्रेफाइट में कार्बन का एक एटम तीन कार्बन के एटम से जुड़ा होता है। जैसे ये एक कार्बन का एटम है, तो इधर एक कार्बन का एटम, इधर और इधर, तो ये वाला कार्बन का एटम तीन कार्बन के एटम से अटैच है, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन का एटम तीन दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है। क्या? लेयर स्ट्रक्चर। एक्चुअल में अगर बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की, तो ऐसा होता है,
तो ये हेक्सागोनल शेप में होता है, यहाँ एक कार्बन का एटम, यहाँ 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 यहाँ। जैसे ये साले कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तीसरे से ऐसे जुड़ा होता है। तो ये वाला कार्बन एटम इन दो से जुड़ा हुआ है, तीसरे से ऐसे जुड़ा होता है। सेम ऐसे ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे से भी जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये शेप होती है बेसिकली ग्रेफाइट की, हेक्सागोनल शेप कहते हैं इसे। तो लेयर स्ट्रक्चर से मतलब है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक ये लेयर होगी, एक लेयर ये होगी, इसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर। तो ये लेयर स्ट्रक्चर है, जैसे पेजेस के ऊपर पेजेस होते हैं, तो ये ऐसे लेयर के, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ठीक है। और इसकी जो दो लेयर होती है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होती। तो तीसरा पॉइंट क्या है, नो स्ट्रांग फोर्स बिटवीन टू लेयर। तो इसकी दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर, ठीक है, बहुत कम होती है। इसी कारण जब हम इसको पेंसिल में भी इसलिए यूज़ होते हैं, ये पेंसिल में हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, तो जब हम पेंसिल से पेपर पे लिखते हैं तो क्या होता है, उसकी एक लेयर पेपर पे छप जाती है और एक पेंसिल के अंदर रह जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, सॉरी देखो, पेंसिल से जब हम पेपर पे लिखते हैं तो उसकी एक लेयर पेपर पे छप जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट की दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, समझे। इसकी दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। चौथी चीज, ये सॉफ्ट होता है, काफी सॉफ्ट है, रीजन सेम, इसकी दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और पांचवा और ये फाइनल रीजन, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, देखो कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, देखिए। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये तो 3 कार्बन एटम से कनेक्ट हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है 3 कार्बन एटम से, और लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो और यही इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेफाइट। मेटल्स में क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, इसलिए वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। और ग्रेफाइट में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इस लास्ट के सेल में, कार्बन के लास्ट के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से अटैच हो गए, 3 कार्बन से, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो ग्रेफाइट समझ गए, अब लिखो डायमंड। बेसिकली ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, ये लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर है, और इसकी एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इसलिए हम इसे पेंसिल में भी यूज़ करते हैं। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो एक लेयर पेपर पे छप जाती है, क्यों, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए ये सॉफ्ट भी होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 कनेक्ट हो गए दूसरे कार्बन एटम से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए एक लौता है ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट। तो अब लिखो बच्चों डायमंड। डायमंड में बच्चों 1 कार्बन एटम
इज अटैच टू फोर अदर कार्बन एटम। तो क्या डायमंड में एक कार्बन एटम दूसरे चार कार्बन एटम से अरेंज होता है? कैसे? ये एक कार्बन का एटम हो गया, ये एक, दो और तीन, ऐसे चार, सॉरी, तो ये कार्बन का एटम चार कार्बन के एटम से अरेंज है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन है, एक, दो, तीन और एक, ये चार, तो ये वाला कार्बन भी चार। इसमें हर कार्बन का एटम चार कार्बन एटम से अटैच होता है, ठीक है, डायमंड। और ग्रेफाइट में क्या था? एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से अटैच था, ठीक है। दूसरी चीज, ये काफी हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है ये? इसकी हार्डनेस का रीजन क्या है? बेसिकली ये फोर बॉन्ड, जो ये चार बॉन्ड बन रही है ना, ये एक कार्बन का एटम चार बॉन्ड बना रहा है, और वो भी कार्बन के साथ ही, ठीक है। कार्बन के साथ चार बॉन्ड बना रहा है, डेट इज दिस रीजन फॉर इट्स हार्डनेस, ठीक है। सबसे हार्ड मटेरियल है, सबसे हार्ड एलिमेंट है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ग्रेफाइट में क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन था। कार्बन के लास्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते, तो ये चार कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। तो डायमंड में इतना ही। अब एक और इसका कार्बन का एलोट्रोप है, जिसको हम बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस कहते हैं। बेसिकली इसके दो, ये डायमंड और ग्रेफाइट क्या हो गए, ये तो दो नेचुरल एलोट्रोप है, ये नेचर में हमें मिलते हैं। तो जो ये तीसरा है, जिसे C60 भी कहते हैं, C60, ये बेसिकली एक फुटबॉल की शेप में होता है, और ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। तो ये बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस, ये कैसा आइसोटोप है? ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल, ये हमने बनाया है। ये एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर में होता है, तो इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना। क्या C60 का नाम बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस है, और इस ये एक फुटबॉल की शेप में होता है, फुटबॉल से, और ये 60 कार्बन एटम से मिलकर बनता है, 60 कार्बन एटम से, इसलिए इसे हम C60 भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कार्बन का एलोट्रोप तीन है, ग्रेफाइट, डायमंड और C60। जो ग्रेफाइट डायमंड है वो नेचुरल है, C60 मैनमेड है। C60 में 60 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, 60 कार्बन एटम से मिलकर बनता है, और ये फुटबॉल की शेप में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।